वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। Hi guys, my name is Karthik. Welcome back to another vlog. आज ये मेरा 8th vlog है एंड अभी तक जितने भी मेरे ब्लॉग्स हुए हैं उसमें मैंने ज़्यादा अपने बारे में कुछ बताया नहीं, तो आई थॉट दिस इज़ द टाइम, सो उसी से स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज़ कार्तिक छाबड़ा एंड आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुरादाबाद। मुरादाबाद जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, इट्स अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी एजुकेशन 8th क्लास तक यहीं से करी थी। उसके बाद आई मूव टू फरीदाबाद सिटी इन हरियाणा एंड देन अगेन उसके बाद 9th-10th मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने फिर मुरादाबाद शिफ्ट हो गया था, 11th-12th यहीं से करी। सो माई फैमिली, माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, वी ऑल स्टे इन मुरादाबाद नाउ। एंड मैंने अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन ग्रेटर नोएडा कॉलेज से करी थी। आई एम अ सिविल इंजीनियर बाई प्रोफेशन बट नाउ टर्न इन टू अ बिजनेस मैन कम ब्लॉगर। एंड 2014 में मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई। उसके बाद आई गॉट अ प्लेसमेंट फ्रॉम माई कॉलेज इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो आई वर्क देयर फॉर अराउंड 1.5 years। उसके बाद आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बाद आई वर्क फॉर अनदर 1.5 years। आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब है तो क्यों छोड़ दी, बट देन इवेंचुअली मेरे को अपने बिजनेस में आना ही था, मेरे फादर के बिजनेस में। मेरे फादर का भी यही कहना था कि एकदम से वो मेरे को एंटर नहीं कराना चाहते बिजनेस में, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको एक वैल्यू होनी चाहिए मनी की एंड आपको पता होना चाहिए कि मेहनत कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट अपना बिजनेस में आ जाते हो तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो। सो माई फादर वॉन्टेड मी टू डू अ जॉब फॉर एटलीस्ट लाइक 3-4 years एंड डू सम स्ट्रगल। और उससे ऑब्वियसली मेरे को पता लगा एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को ये बोला करने को। एंड ऑब्वियसली उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपको पता लगता है कि कैसे आपको वर्क करना है। ऑब्वियसली बिजनेस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब ईजी है बिजनेस ईजी है। सबके अपने मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं, जॉब में अलग मेहनत है, बिजनेस में अपना अलग मेहनत है, सब कुछ अपना होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो आफ्टर माई गवर्नमेंट जॉब आई शिफ्टेड बैक टू मुरादाबाद इन 2017 एंड सिंस देन आई एम वर्किंग हेयर विद माई फादर। सो वी हैव एन एक्सपोर्ट बिजनेस, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू मेटल हैंडीक्राफ्ट्स और काफ़ी पुराना बिजनेस है, 25 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और आई एम रियली इन्जॉइंग अ लॉट वर्किंग हार्ड। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को ब्लॉगिंग का शौक कहाँ से लगा जबकि मेरा फादर का खुद बिजनेस है एंड मैं उसमें हूँ। बट लाइक जैसा कि आपने देखा था बिटवीन मार्च एंड अप्रैल हम लोग लॉकडाउन में थे, तो मैंने भी काफ़ी टाइम गुजारा था एंड कुछ करने को था नहीं एज सच बिकॉज घर में ही सब लोग लॉक थे। एंड काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, काफ़ी वेब सीरीज से भी टाइम पास किया। बट देन अगेन आपको होता है ना कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है। तो मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखी, उससे इंस्पायर हुआ, तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। उस समय मैं स्टार्ट नहीं कर पाया लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको स्टार्ट करने में थोड़ी हिचक होती है, तो मेरा भी कुछ सीन ऐसा ही था, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा स्टार्ट करने में। बट देन इवेंचुअली माई फर्स्ट ब्लॉग वॉज अ ट्रैवल ब्लॉग एंड आई होप दैट आई कंटिन्यू मेकिंग अमेजिंग ब्लॉग्स फॉर यू गाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम 29 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा मेरा बर्थडे था, सेलिब्रेशन था। मेरी फियांसे ने भी काफ़ी सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी पेरेंट्स के साथ। सो विद इन नेक्स्ट 3 months आई एम गेटिंग मैरिड। मेरे सब फ्रेंड्स की भी शादियाँ हो गई हैं, बहुत लोगों की होने जा रही हैं, 1 February में है, 1 March में है एंड सो ऑन। एंड आजकल ब्लॉग डालने में भी थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम वर्किंग विद माई फादर नाउ, सो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रह रहा है आजकल, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। एंड बट आई ट्राई माई बेस्ट बहुत ज़्यादा लेट ना हो एंड आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। एंड आई होप आप लोग पसंद कर रहे हो मेरे ब्लॉग्स। एंड अभी तो स्टार्ट किया है, इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। जर्नी बहुत अच्छी और लंबी होने वाली है आप लोगों के साथ। सो आज के लिए मेरा यानी कि कार्तिक जी का ज्ञान इतना ही आप सबके लिए, मिलते हैं आपसे कल, जस्ट किडिंग। और अभी मैं सोच रहा हूँ आपको एक अपना क्विक क्लोजेट टूर भी दे देता हूँ और आपको दिखाऊँगा मेरे पास क्या क्या कपड़े हैं एंड आपको भी रिकमेंड करूँगा क्या क्या आप पहन सकते हो और अपना क्या क्या कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है एंड ऑब्वियसली बहुत कम भी नहीं है, सो आई वोंट लाई टू यू। और आपको दिखाता हूँ अभी क्विक टूर, लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पार्ट ऑफ वार्डरोब और स्टार्ट करते हैं जीन्स से। मेरे पास लगभग 4 pair ऑफ जीन्स है, मैं ज़्यादा जीन्स नहीं है मेरे पास एंड ब्लैक एक्चुअली मेरे पास नहीं है बट ब्लैक होनी चाहिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास। एंड देन आई हैव 2 trousers एंड उसके अलावा आई हैव ग्रे पैंट्स, वो अभी वॉशिंग में है। देन उसके बाद आई हैव दीज राउंड नेक टी शर्ट्स, दिस वन इज़ फ्रॉम सुपर ड्राई फ्रॉम ली एंड देन आई हैव लाइक दीज पोलो टी शर्ट्स फ्रॉम US पोलो,
this one is also from US Polo, this white one is also from US Polo, and this one is from Hackett. I got this from London in 2018. Aur uske baad, this is from LP Louis Philippe. उसके बाद आई हैव दीज शर्ट्स विद मी. आपके पास सब तरह की शर्ट्स होनी चाहिए. लाइक आई हैव दीज पैटर्न शर्ट्स ओवर हेयर एंड देन आई हैव सम स्ट्राइप और चेक शर्ट्स यू कैन से. उसके बाद सम प्लेन शर्ट्स एंड उसके बाद आई हैव दीज मैंडेरिन चाइनीज कॉलर शर्ट्स. आई लाइक दीज क्वाइट अ लॉट. एंड उसके बाद दीज आर सम ऑफ माई फॉर्मल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स. मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं पहनता, बट जब कोई बिजनेस मीटिंग होती है या ऐसा कुछ होता है तो पहनना पड़ता है. सो फॉर दैट पर्पज़ मेरे पास ये सब है. और अगेन स्ट्राइप एंड चेक शर्ट्स, देन अगेन पैटर्न वंस, सम प्लेन वाइट शर्ट्स एंड दीज आर द ट्राउजर्स, सम ऑफ द ट्राउजर्स दैट आई हैव. उसके बाद दीज आर माई विंटर क्लोथ्स. सो दीज मैं अपने लास्ट ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था आपको, थोड़ा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा. दीज आर द टू जैकेट्स दैट आई गॉट फॉर माई बर्थडे. उसके बाद आई हैव दीज, दीज आर मोस्टली डाउन जैकेट्स और बॉम्बर जैकेट्स यू कैन से. दिस इज हाफ जैकेट एक्चुअली. उसके बाद आई हैव दिस वन हुडी, ये तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई दिया था. एंड देन आई हैव लाइक दिस इज काइंड ऑफ इंडियन वियर, बहुत कम पहनता हूँ मैं ये भी. ओके जनरली समर्स में ही काम आता है, कोई ओकेजन हो या कुछ ऐसा. एंड देन आई हैव दीज स्वेटर्स विद मी. ये भी एक स्वेटर है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को. एंड ये मेरे को गिफ्ट मिला था मेरे सीनियर से जब मैं जॉब करता था. और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई गॉट दिस फ्रॉम दुबई. उसके बाद आई हैव लाइक दीज वी नेक एंड दीज राउंड स्वेटर्स. उसके बाद ये कुछ रात का पहनने के लिए सम टी शर्ट्स एंड दिस इज़ माई शू कलेक्शन. आई हैव लाइक टोटल 8 पेयर्स. उसमें मेरे पास लाइक 4 स्पोर्ट्स शूज़ हैं, 2 लेदर शूज़ हैं एंड 2 स्लिप ऑन शूज़ हैं. एंड बॉक्सेस तो अभी यही हैं मेरे पास, बाकी बाहर रखे हैं शूज़. सो ये भी आपको अगली बार मैं दिखाऊंगा. एंड इस कबर्ड में मैं अपना कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड परफ्यूम कलेक्शन एंड सम टेक स्टफ रखता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है मेरे पास. एंड इसके बाद थोड़े छोटे मोटे और कपड़े भी हैं जो दूसरी कबर्ड में रखे हैं, मैं वो कभी और दिखाऊंगा आपको. एंड अभी पिछले एक दो व्लॉग्स में मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास लाइक 10 या 12 टक्सीडोज, कोट, सूट्स एंड ब्लेजर्स वगैरह भी हैं, मिक्स ऑफ दैट. सो वो भी आपको कभी दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में, जब भी मौका लगेगा. एंड एक चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट मैंने भी अपनी हैबिट बना रखी है कि मेरे कपड़े जब थोड़ा मेरे को लगता है मैं पहन नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को, या थोड़े टाइट हो गए हैं, थोड़े लूज़ हो गए हैं, या मैं ले तो लिए बट मैं पहन नहीं रहा हूँ उस चीज़ को, ऐसे ही वेस्ट जा रहा है या कुछ भी एज अ फॉर वट एवर रीज़न, तो मैं कोशिश करता हूँ उन क्लोथ्स को अपना डोनेट कर दूँ. और कभी मैं जैसे होता है कि डोनेट नहीं कर पाता तो आई यूजली गिव इट टू माई लाइक डोमेस्टिक हेल्प. और आप लोगों के जो भी वर्कर्स हों, ड्राइवर्स हों, जो भी आपको नीडी पर्सन लगे तो आप उसको ज़रूर दीजिए. हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को इन क्लोथ्स की ज़रूरत है. हम लोग तो अपना ख़रीद लेते हैं सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, हमें जो चाहिए होता है जाके झट से ले आया, बट उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंड में. इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग अपनी जैकेट्स दीजिए जो आप नहीं पहनते. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दीजिए, बट कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए. मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ. एंड आई बिलीव हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, हम दूसरों की जितनी हेल्प कर सकें, जितने हमारे बस में एटलीस्ट होती तो हमें करनी चाहिए. एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा छोटा ब्लॉग था. एंड जल्दी से जल्दी और भी ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा एंड आप लोगों तक पहुँचाऊँगा. एंड इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड. एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. इफ़ यस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा. एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.